दोस्तों फोन 10,000 का हो या फिर 30,000, 60,000, 80,000, चाहे जितना महंगा सस्ता फोन क्यों ना हो, सभी फोन में फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा जरूर से होता है। मैं आप सभी को इस वीडियो में फोन के कैमरे में तीन हिडन सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा। इंपॉर्टेंट यूजफुल ट्रिक है जो आप सभी को जरूर से पता होना ही चाहिए और फोन के कैमरे को यूज करने में आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस होने वाला है। फोन के कैमरे में ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं जिनका समाधान आप सभी को इस वीडियो में मिल जाएगा। और ये वीडियो को आग की तरह फैला देना, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां पर भी हो सके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, ताकि उनको भी उस प्रॉब्लम का समाधान मिल सके। दोस्तों मैं आप सभी को इस वीडियो में फोन के कैमरे में तीन हिडन सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा। अगर आप जानना चाहते हो फोन के कैमरे में वो तीन हिडन सीक्रेट ट्रिक क्या है सब कुछ जानने के लिए, तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है सत्य, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फास्ट पोस्ट में। चले फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जरूर से वीडियो पे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में देखिए छोटा सा बेल आइकॉन है, बेल आइकॉन को दबा के ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि सबसे पहले वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके और उस वीडियो को सबसे पहले देख सको। फिर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आइए और यहाँ पर एक छोटा सा कमेंट कीजिए कैमरा ट्रिक्स। दोस्तों ये छोटा सा कमेंट लिखकर जरूर से सेंड कर देना। दोस्तों सभी फोन में ये फ्रंट कैमरा बैक कैमरा जरूर से होता है। ये फोन चाहे कितना महंगा क्यों ना हो, सस्ता क्यों ना हो, सभी फोन में फ्रंट और बैक कैमरा जरूर से होता ही है। मैं आप सभी को इस वीडियो में फोन के कैमरे में तीन हिडन सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा और जो तीसरा ट्रिक बताऊंगा वीआईपी ट्रिक है, जरूर से तीसरे ट्रिक को देख कर जाना। पहला ट्रिक, दोस्तों आप दिल्ली गए थे या फिर मसूरी गए थे या फिर आगरा गए थे, कहीं पर भी गए थे और आपने वहां पर काफी सारे फोटो क्लिक किए, ठीक है, आपने काफी सारे फोटो क्लिक किए, फिर कुछ दिनों बाद आपने उन फोटो को फिर से देखा और आपको याद नहीं है आपने वो फोटो कहां पर क्लिक किया है। ऐसे में फोन के कैमरे में एक सेटिंग कर सकती हो, फोटो में लोकेशन ऐड हो जाएगा। जो भी फोटो आप क्लिक करोगे फोटो में लोकेशन ऐड हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा वो फोटो आपने कहां पर क्लिक किया था। कैमरा ओपन कीजिए, देखिए कैमरा ओपन करने के बाद, देखिए ये फोन में भी मैं कैमरा ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, देखिए ये फोन में कैमरा ओपन किया और ऊपर देखिए सेटिंग ऑप्शन है, सेटिंग आइकन पे क्लिक कीजिए और ये फोन में देखिए ये थ्री लाइन है, ये एमआई फोन है, ठीक है। तो सभी फोन में ये सेटिंग ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकता है, फिर यहाँ पर सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद देखिए बहुत सारे सेटिंग ऑप्शंस आ जाएंगे और यहाँ पर देखिए सेटिंग आपको यहाँ पर नीचे आना है और नीचे आइए और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है लोकेशन टैग्स, यहाँ पर देखिए लोकेशन टैग ये ऑप्शन ऑन कर देना है, ठीक है, टर्न ऑन, इसे ऑन कीजिए एक बार, फिर इसे ओके कीजिए, टर्न ऑन कीजिए और यहाँ से ये ऑप्शन ऑन कर दीजिए। देखिए ऑप्शन ऑन हो चुका है और ये वाले फोन में देखिए, और मैं आपको दिखा दूं, देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा, देखिए सेव लोकेशन इन्फो, ये फोन में देखिए ऑन है, ठीक है। तो आपको ये ऑप्शन ऑन करना है, ये ऑप्शन ऑन करने के बाद जब भी आप फोन के कैमरे से फोटो क्लिक करोगे वो लोकेशन फोटो में ऐड हो जाएगा, चाहे वो बैक कैमरे से फोटो क्लिक करो या फिर फ्रंट कैमरे से सेल्फी फोटो क्लिक करो, फोटो में जो लोकेशन होगा वो ऐड हो जाएगा। और इसका फायदा तब भी आप ले सकते हो, मान लीजिए आपके बच्चे कोई भी हो, ठीक है, वो क्या करते हैं ना, कोचिंग जा रहे हैं, ठीक है, क्लासेस अटेंड करने जा रहे हैं और वो वहां पर किसी पार्क में चले जाते हैं, फोटो क्लिक करते हैं और आपसे घर में आके छूट बोलते हैं कि नहीं मैं कहीं नहीं गया था, क्लासेस अटेंड करने गया था। ऐसे में आप पता कर सकते हो आपके बच्चे कहां पर गए थे, क्योंकि फोटो में लोकेशन ऐड हो जाएगा। सो ये जो पहला ट्रिक था इससे आप यूज कर सकते हो फोन के कैमरे में, ताकि अगर आपको याद ना हो आपने वो फोटो कहां पर क्लिक किया है तब भी वो फोटो में आपको लोकेशन देखने को मिलेगा। सो ये था पहला ट्रिक। दोस्तों अभी बढ़ते हैं सेकेंड ट्रिक और ये अल्टीमेट ट्रिक है आप सभी के लिए। पहले ये ट्रिक क्या है पहले ये समझ लीजिए। दोस्तों जब भी आप फोन के कैमरे से कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हो, चाहे वो फ्रंट कैमरे से हो या फिर बैक कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करते हो, ठीक है, यहाँ पर देखिए वीडियो मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से एक वीडियो में रिकॉर्ड कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद देखिए अगर मैं यहाँ से कैमरा स्विच करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर मैं कैमरा स्विच करता हूँ, कैमरा स्विच नहीं हो रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ पर वीडियो बंद हो गया, ठीक है, देखिए यहाँ पर वीडियो बंद हो गया। तो आप एक साथ फोन में फ्रंट और बैक कैमरे को यूज कर सकते हो। वैसे ये सेटिंग काफी सारे फोन में आपको मिलेंगे और ऐसे भी फोन है जिनमें आपको ये सेटिंग नहीं मिलेगा, लेकिन ऑलमोस्ट सभी फोन के अंदर ये सेटिंग आ चुका है जहां से आप फोन में फ्रंट और बैक कैमरे को एक साथ यूज कर सकते हो, है ना, काफी कमाल का सेटिंग। लेकिन मैं आपको ये बता दूं ये सेटिंग हो सकता है आपके फोन में हो या फिर ना हो, आपको चेक करना होगा, अगर नहीं होगा मैं आपको बताऊंगा सोल्यूशन क्या है, ठीक है। सो यहां पर कैमरा ओपन करने के बाद फोन में फ्रंट और बैक कैमरे को एक साथ यूज करके वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए यहां से वीडियो सिलेक्ट कीजिए, वीडियो सिलेक्ट करने के बाद देखिए ऑप्शन है मोर,
मोर सिलेक्ट कीजिए। मोर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा डुअल रिकॉर्डिंग, यहाँ पर ऑप्शन होगा डुअल रिकॉर्डिंग। जैसे मेरे ये फोन में ये ऑप्शन नहीं है और ये वाले फोन में भी मैंने चेक किया था, ये वाले फोन में भी ऑप्शन नहीं है। हो सकता है आपके फोन में हो और आपको पता ना हो, तो आपको जरूर से ये चेक करना है। अगर एंड्रॉयड 11 वर्जन से ऊपर के यूज करते हो आपके फोन में डेफिनेटली ऑप्शन होना चाहिए। एक बार जरूर से यहाँ पर वीडियो पे आकर मोर ऑप्शन पे सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर चेक करना है डुअल रिकॉर्डिंग ऑप्शन है या फिर नहीं है। जिनके फोन में ये सेटिंग नहीं होगा वो किस तरीके से यहाँ पर दोनों कैमरे को एक साथ यूज करेंगे ये सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन लिंक दिया है, वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। और ये एप्लीकेशन ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए जैसे ये बैक कैमरा ऑन है, ठीक है, बस आपको यहाँ से क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो चुका है। अगर मुझे अभी फ्रंट कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करना होगा इंस्टेंट यहाँ से कर सकते हो, बस आपको यहाँ पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर ये फ्लिप हो चुका है, देखिए यहाँ पर कैमरा फ्लिप हो चुका है, अभी फ्रंट कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। फिर यहाँ से वीडियो कंप्लीट होने के बाद रिकॉर्डिंग यहाँ पर क्लिक कीजिए और ये वीडियो देखिए सेव हो चुका है। तो ये वीडियो मैं आपको गैलरी में ओपन करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया, देखिए यहाँ से वीडियो प्ले किया और यहाँ पर देखिए ये बैक कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा हूँ, इंस्टेंट यहाँ पर देखिए फ्रंट कैमरे से ये फिर वीडियो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए फ्रंट कैमरे से ये वीडियो रिकॉर्ड हो गया। तो इस तरीके से फ्रंट और बैक कैमरे को दोनों को यूज करके आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकती हो। और इसके लिए मैं आपको दो एप्लीकेशन का लिंक दिया हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दोनों एप्लीकेशन को आपको ट्राई करना। हो सकता है कोई एप्लीकेशन आपके फोन में वर्क ना करे, फिर बाद में आकर आप ये कमेंट करो ये एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दो एप्लीकेशन लिंक दिया है, दोनों एप्लीकेशन को आपको ट्राई करना है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया आपको वो सेटिंग पहले चेक करना, अगर आपके फोन में वो सेटिंग दिया होगा डुअल रिकॉर्डिंग का फिर आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है। तो ये सब वो सेटिंग, और ये सेटिंग के लिए जरूर से वीडियो पे लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा था तीसरा सेटिंग, जैसा कि मैंने आपसे कहा था तीसरा ट्रिक वीआईपी ट्रिक है और ये 101% आपको काफी इंपॉर्टेंट आपके होने वाला है। सेटिंग क्या है, फोन में सेटिंग ओपन कीजिए। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको यहां पर नीचे आना है, नीचे आने के बाद देखिए नीचे ऑप्शन है अबाउट फोन, अबाउट फोन यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। अबाउट फोन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए नीचे ऑप्शन है सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट कीजिए। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है बिल्ड नंबर, अगर आप एमआई रियलमी फोन यूज करती हो ऐसे में यहाँ पर होगा वर्जन, एमआई वर्जन, मीवाई वर्जन, रियलमी वर्जन, कुल मिला के बिल्ड नंबर या फिर वर्जन के ऊपर 7 बार टच करना। यहाँ पर 7 बार टच करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर पासवर्ड, अपना फोन का पासवर्ड एंटर करना है, नेक्स्ट कर दीजिए और यहां से बैक कीजिए और आपके फोन में एक सेटिंग ओपन हो जाएगा डेवलपर ऑप्शन, आपके फोन में एक सेटिंग ओपन हो जाएगा डेवलपर ऑप्शन, यहां से बैक कीजिए और नीचे देखिए ऑप्शन है डेवलपर ऑप्शन। अगर आपको नीचे यह डेवलपर ऑप्शन नहीं मिलता है फिर आपको यहां पर एक्सेसिबिलिटी में आना है, एक्सेसिबिलिटी में यह डेवलपर ऑप्शन आपको मिलेगा। कुल मिला के डेवलपर ऑप्शन में आना है, डेवलपर ऑप्शन ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहां पर नीचे आइए, नीचे आइए और यहां पर देखिए ऑप्शन है क्विक सेटिंग डेवलपर टाइल्स, क्विक सेटिंग डेवलपर टाइल्स इसे सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है सेंसर ऑफ, सेंसर ऑफ इसे ऑन कर दीजिए। इसे ऑन करने के बाद यहाँ से यह सेटिंग क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशन बार नीचे कीजिए, नोटिफिकेशन बार नीचे करने के बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ चुका है सेंसर ऑफ, यहाँ पर देखिए एक नया ऑप्शन एड हो चुका है सेंसर ऑफ और ये सेटिंग यहाँ से ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो। और ये सेटिंग ऑन करने का क्या फायदा होगा ये समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये सेटिंग मैंने ऑन किया, ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर मैं कैमरा ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए कैमरा ओपन नहीं हो रहा है, देखिए यहाँ पर कैमरा ओपन नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपने आप कैमरा बंद हो रहा है। तो ये सेटिंग का तब आप फायदा ले सकते हो जब आपके दोस्त आपसे आपका फोन मांगते हैं फोटो क्लिक करने के लिए, तो ऐसे में वो क्या होगा ना यहाँ पर कैमरा तो यूज नहीं कर पाएंगे, वो फिर आपका फोन आपको वापस कर देंगे जल्दी। और जो सेकंड बड़ा फायदा होने वाला, देखिए अगर आप फोन में आपको लग रहा है ऐसा कोई एप्लीकेशन है जो आपकी फोटो रिकॉर्ड कर सकता है, वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, अगर आप ऐसे वैसे वेबसाइट जाते हो ऐसे में डेफिनेटली आपका वीडियो रिकॉर्ड हो सकता है और आप मुसीबत में आ सकते हो, आपकी गैलरी से फोटो लीक हो सकता है, कोई आपका वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, फिर आपको ब्लैकमेल कर सकता है, काफी सारे पॉसिबिलिटीज इसके हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैमरा ओपन नहीं हो रहा है, तो उस हालात में आप ये सेटिंग कर सकती हो, बस आपको ये सेटिंग ऑन करना है। तो यहाँ पर देखिए ये सेटिंग मैं ऑफ करता हूँ, सेटिंग ऑफ किया, अभी यहाँ पर देखिए कैमरा ऑन हो गया। जब भी आपको ये सेटिंग यूज कर रहा हूँ यहाँ से ये सेटिंग बस ऑफ कर दीजिए। अगर आपको ये सेटिंग बंद कर रहा हूँ यहाँ से देखिए मैंने इसे ऑन किया, कैमरा ओपन करता हूँ, देखिए कैमरा फिर से बंद हो गया। अगर आपको कैमरा फिर से यूज करना हो जब आपको लगे इसे ऑफ कर दीजिए और यहाँ पर देखिए कैमरा फिर से चालू हो गया है। अगर आप चाहो ये सेटिंग फिर से यहाँ पर हटा सकते हो। किस तरीके से, फिर आपको डेवलपर ऑप्शन में जाके वो सेंसर ऑफ उसे ऑफ कर देना है और ये सेटिंग यहाँ से फिर हट जाएगा।
तो ये तीन अल्टीमेट सेटिंग आप फोन के कैमरे में यूज करके अल्टीमेट यूज कर सकते हो, प्रो लेवल में फोन के कैमरे को यूज कर सकते हो। और एप्लीकेशन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके एक बार जरूर से तो ट्राई करना बनता है। मुझे उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो के नीचे लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।